डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर सज्जाद शफीकी हियर। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दी एकाइनोडर्म्स। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब हम एनिमल्स की स्टडी स्टार्ट करते हैं तो उनमें जो यूमेटाजोआ होते हैं उनको हमने टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था, और आप सबको याद है कि हमने उन्हें बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री की बेस पर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया था। तो हमारे पास जो रेडियल सिमेट्री थी वो सिर्फ सिलेंट्रेटा फाइलम में आ रही थी, और उसके बाद जो बाइलेटरल सिमेट्री थी उसको हमने मजीद थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, जिसमें हमारे पास एसिलोमेट्स थे, देन सूडोसिलोमेट्स थे और ट्रूसिलोमेट्स थे। तो हमने जो ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ी थी टिश्यू के बारे में, तो उसमें हमने तफसील से पढ़ा था कि जो हमारे पास एसिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स और ट्रूसिलोमेट्स, क्या डिफरेंस है उन सब में। तो इसके बाद हमने फिर इनमें फाइलम्स की डिवीजन ऐड कर दी कि हमारे पास एसिलोमेट्स में प्लेटीएलमिंथीज हैं, और उसके बाद जो हमारे पास सूडोसिलोमेट्स हैं उसमें एस्केलमिंथीज हैं, और उसके साथ साथ जो हमारे पास ट्रूसिलोमेट्स थे उसको मजीद हमने टू डिवीजंस कर दी उनकी सेल डिवीजन की बेस पर कि उनमें जो ब्लास्टोपोर है किस में एनस बनाते हैं और किस में माउथ बनाते हैं। तो इस बेस पर हमने फिर उनको डिवाइड कर दिया था ड्यूटेरोस्टोम्स में और प्रोटेरोस्टोम्स में, तो इनको प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स भी कहते हैं। तो सबसे एडवांस जो इनमें थे वो ड्यूटोस्टोम्स थे, और हमने ये पढ़ा था कि ड्यूटोस्टोम्स सबसे एडवांस्ड एनिमल है जिनमें हमारे पास प्रोटोस्टोम्स में आ रहे थे हमारे पास एनिलेट्स, आर्थ्रोपोड्स और मोलस्क, और जो हमारे पास ड्यूटोस्टोम्स हैं इनमें हमारे पास आ रहे हैं इकाइनोडर्मेटा, देन हेमिकॉर्डेटा एंड देन कॉर्डेटा। तो हमारे इनवर्टिब्रेट्स का जो हम सिलेबस पढ़ रहे हैं उसका ये लास्ट टॉपिक है, और ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे और हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दी एकाइनोडर्म्स, फाइलम है एकाइनोडर्मेटा। तो इसका एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव देखेंगे कि कब ये इवॉल्व हुआ, किस इरा में हुआ, पहले इनका जो फीडिंग स्टाइल था वो कैसा था और अब इनका फीडिंग स्टाइल कैसा है। पहले जब ये ऑर्गेनिज्म थे तो इवॉल्व हुए थे एवोल्यूशनरी लीनिएज में, तब इनकी क्लासेस कितनी थी और अब इनकी क्लासेस कितनी है। तो इसमें ये बताया गया है कि जब इकाइनोडर्म्स स्टार्ट हुए थे इस अर्थ पर ऑलमोस्ट 400 मिलियन ईयर्स ओल्ड, देन पीलियोज़ोइक रॉक्स में फॉसिल्स हमें मिले हैं, तो तब ये 18 क्लासेस थी, और इनमें से जो है ना ऑलमोस्ट 12 जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम तसली से, और इसके साथ साथ हम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम इकाइनोडर्मेटा भी पढ़ेंगे। The 400 million years old Paleozoic rocks have almost all the fossils of animals up to echinoderms. के जब आज से हम 400 million साल पहले की rocks हमने study की fossil study में, तो पता चला कि उन rocks में हमारे पास सब के सब animals की जो remaining body parts हैं वो हमें मिले हैं इन द फॉर्म ऑफ ट्रेसेस, और उनमें बाकी सब ऑर्गेनिज्म के साथ साथ इकाइनोडर्म्स भी हैं। तो जब हमने उन फॉसिल्स की स्टडी की तो हमें क्या पता चला कि मैनी फॉसिल्स ऑफ इकाइनोडर्म्स वर प्रेजेंट इन दिस इरा, के जो पेलियोज़ोइक इरा है, हमने इसको भी तफसील से पढ़ा था कि हमारे पास टाइम इरा कितनी है, तो पेलियोज़ोइक इरा में इकाइनोडर्म्स भी थे। Many ancient echinoderms are attached to their substrate. तो जब हमने फॉसल स्टडी की तो जो वर्ड एंशेंट है इसका जो मीनिंग होता है वो कदीम होता है, तो जब वो सेडिमेंट्स में धस गए तो क्या हुआ, वो अपने सबस्ट्रेट के साथ अटैच हुए पड़े थे, तब ही वो डेड हो गए किसी रीजन की वजह से, डिसेस्टर की वजह से। तो उनके ट्रेसेस जब हमें मिले तो अपनी सरफेस के साथ वो अटैच पड़े थे, क्योंकि एक सक्शन क्रिएट हो गया था जो ऑर्गेनिज्म और सबस्ट्रेट के बीच, तो वो अभी तक मौजूद था जो आज से 400 मिलियन ईयर्स
ओल्ड जब फॉसिल फ्यूल्स के जो रिमेनिंग पार्ट्स थे जब डिसास्टर आया दब गए, तो अब भी हमें उसके ट्रेसेस मिल गए कि ये दरअसल अटैच थे अपने सबस्ट्रेट से। तो उन दिनों साइंस की स्टडी से पता चलता है कि दे वर फिल्टर फीडर्स, के वाटर को फिल्ट्रेट करके उनमें जो भी पार्टिकल ऑर्गेनिक फूड न्यूट्रिएंट्स आते थे, ज्यादातर जो प्रोफंडल जोन में होते हैं, तो उनको ये फीड करते थे। तो फिल्टर फीडिंग इज कॉमन एनिमल लाइक, अब भी फिल्टर फीडिंग हो रही है सी स्टार में, सी अर्चन में और सैंड डॉलर्स में एंड सी कोकम्बर्स में। तो ये सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं ऑफ एकाइनोडर्म्स, बट The number of species of echinoderms has reduced, के पहले ये बहुत ज्यादा थे, तादाद में नहीं, इन नंबर ऑफ स्पीशीज के लिहाज से ये ज्यादा थे, अब कम है। फॉसिल रिकॉर्ड ये 0.3 पढ़ने लगे हम। फॉसिल रिकॉर्ड्स इंडिकेट दैट जो हमारे पास फॉसिल रिकॉर्ड हैं वो जाहिर करते हैं अबाउट 12 ऑफ 18 क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म्स हैव बिकम एक्सटिंक्ट, के 18 में से 12 क्लासेस इकाइनोडर्म्स की जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब उनका कोई वजूद नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ ट्रेसेस है। और आप सबको पता है कि जो एक्सटिंक्ट एनिमल्स होते हैं वो इस दुनिया से खत्म हो चुके होते हैं, और इंडेंजर्ड ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं, इंडेंजर्ड स्पीशीज वो होती हैं जो खत्म होने के करीब होती हैं, और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पर कभी वापस नहीं आ सकते क्योंकि उनकी नस्ल इस दुनिया से खत्म हो गई है। बट स्टिल लिविंग एकाइनोडर्म्स हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, लेकिन चाहे हमारे पास पीछे बच गई सिर्फ और सिर्फ 6 स्पीशीज, तो 6 क्लासेस, सॉरी स्पीशीज तो काफी सारी हैं, 6 क्लासेस बच गई, तो उनमें भी एकाइनोडर्म्स इतने हैं कि हम कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी तादाद है इनकी, ये तो मजे से रह रहे हैं, काफी हैं, नो प्रॉब्लम। अगर हमारे पास 12 स्पीशीज सॉरी क्लासेस एक्सटिंक्ट हो भी गई हैं तो 6 भी काफी है, क्योंकि वो नंबर्स में भी उनके ऑर्गेनिज्म में बहुत ज्यादा है। तो मेंबर्स ऑफ 3 क्लासेस ऑफ इकाइनोडर्म्स हैव फ्लोरिश्ड, तो इन 6 क्लासों में से भी जो 3 क्लासेस हैं उनके ऑर्गेनिज्म ने बड़ा फ्लोरिश किया, बड़ा ग्रो किया तादाद में। दे फॉर्म अ मेजर कंपोनेंट ऑफ मेरीन इकोसिस्टम, और इतनी तादाद बढ़ाई कि मैरीन इकोसिस्टम का जो कंपोनेंट्स हैं उनमें भी अपनी जगह इन्होंने बना ली है और अहम रोल प्ले करते हैं। अगर इनको हम इफेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा जो फूड वेब और फूड चेन है इकोसिस्टम मैरीन का, वो सारा का सारा इफेक्ट हो जाएगा और सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो अब हम बढ़ते हैं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम एकाइनोडर्मेटा की, एकाइनोडर्मेटा की करेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो हम इसको वजह से अच्छे से पढ़ेंगे। दे हैव कैल्केरियस एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल। तो दरअसल जब हम स्केलेटन की एग्जाम पढ़ते हैं तो हमें पता है कि स्केलेटन 3 तरह के होते हैं, हमारे पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, एंडोस्केलेटन एंड एक्सोस्केलेटन। तो एंडोस्केलेटन हमारी बॉडी में भी इन ह्यूमंस एंडोस्केलेटन है इन द फॉर्म ऑफ बोन्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंडोस्केलेटन टर्म तब इस्तेमाल की जाती है जब स्केलेटन बॉडी के अंदर हो, तो एकाइनोडर्म्स में भी स्केलेटन बॉडी के अंदर होता है। इन द फॉर्म ऑफ ऑसिकल, ऑसिकल वो स्ट्रक्चर है, दरअसल इनमें बोन्स नहीं होती, ऑसिकल्स वो कैल्केरियस स्ट्रक्चर्स हैं, कैल्शियम से बने हुए स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के साथ गैप पर पड़े होते हैं, बिल्कुल अटैच नहीं पड़े होते। इनके अटैचमेंट और बॉन्ड के बारे में आगे चल के पढ़ेंगे। दिस ऑसिकल इज फॉर्म्ड फ्रॉम एंडोडर्मल टिश्यू, यहाँ जो वर्ड एंडोडर्मल है वो रॉन्ग लिखा हुआ है, आप इसको कट करके लिखेंगे मेसोडर्मल टिश्यू। दरअसल ये जो ऑसिकल है ये मेसोडर्मल टिश्यू से बनते हैं। तो आगे नेक्स्ट पेज पर जब हम फिर से पढ़ेंगे तो वहां मेसोडर्मल टिश्यू का दोबारा से तस्करा आएगा कि मेसोडर्म टिश्यू बनाते हैं ऑसिकल्स। तो जब इसी बुक में 3 टाइम्स या 4 टाइम इन्होंने मेसोडर्मल लिख दिया और एक जगह पर इन्होंने मिस्टेकनली एंडोडर्मल लिख लिया, तो एंडोडर्मल काउंट नहीं करेंगे, दरअसल ये मेसोडर्मल टिश्यू से जो है वो ओरिजिनेट होते हैं और इसको क्रॉस चेक कर लिया गया है, और आप नेट से भी अगर इसको सर्च करेंगे तो मेसोडर्मल इसका आंसर आएगा। ऑसिकल कैसे दिखते हैं, तो डायग्राम से हम इसको देखेंगे कि ऑसिकल हमें कैसे दिखते हैं।
इस डायग्राम में आप देखें कि ये आउटर एपिडर्मस है, और जहां पर आपको एरो नजर आ रहा है ये सारा का सारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, और ये बॉडी वॉल है, और बॉडी वॉल की ये जो डर्मेस है इसमें देखें ये जो स्ट्रक्चर्स पड़े हैं जो बोन की तरह नहीं है, ये तो बीड्स की तरह है, ये एक दूसरे के साथ पड़े हुए हैं, और ये ही इनका क्या है, एंडोस्केलेटन है। द एडल्ट्स हैव पेंटा रेडियल सिमेट्री। अभी जब हमने प्रीवियस नॉलेज पढ़ा तो हमने कहा कि बाइलेटरल सिमेट्री को हम डिवाइड करते हैं ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट्स और ट्रू सिलोमेट्स में। तो ट्रू सिलोमेट्स में हमारे पास ड्यूटोस्टोम्स और प्रोटोस्टोम्स, ड्यूटोस्टोम्स में एकाइनोडर्म्स हैं, तो इनकी तो बाइलेटरल सिमेट्री होनी चाहिए। फिर यहाँ रेडियल सिमेट्री कैसे आ गई? दरअसल जब आपने FSC में भी पढ़ा था कि जो लार्वल स्टेज है एकाइनोडर्म्स की वो बाइलेटरल ही है, यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि एकाइनोडर्म्स के जो एडल्ट हैं उनकी सिमेट्री रेडियल है, उनकी सिमेट्री रेडियल है। सिर्फ इस एक सिमेट्री को देखते हुए हम इसको रेडियल सिमेट्री में ऐड नहीं कर सकते, जो कि सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेटा और नाइडेरियंस हैं, बल्कि इसके बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स जब देखते हैं तो वो ज्यादातर सपोर्ट करते हैं एकाइनोडर्म्स की फॉर्म में और बाइलेटरल सिमेट्री में। तो इसलिए हम इसको रेडियल सिमेट्री के ग्रुप में भेजने की बजाय, वहां रखने की बजाय इसको बाइलेटरल सिमेट्री में ही रखते हैं, और एक्सेप्शन मार्क कर देते हैं कि इनमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इनकी जो एडल्ट फेज है उसमें जो है वो रेडियल सिमेट्री होती है। और रेडियल सिमेट्री हमने जब सिमेट्री की टाइप्स पढ़ी थी तो उसमें हमने योनि भी पढ़ी थी, बाई भी पढ़ी थी, पेंटा भी पढ़ी थी। तो क्योंकि इनके आर्म्स होते हैं 5, तो इसलिए हम इनको पेंटा रेडियल सिमेट्री कहते हैं, कि जो है वो 5 प्लेन्स में इसको जिस प्लेन में भी डिवाइड कर लें 2 इक्वल हाल में ये चेंज हो जाते हैं। दी लार्वी हैव बाइलेटरल सिमेट्री, इनके लार्वी में बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो इनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम कंपोज्ड ऑफ वाटर फील्ड कैनाल्स। तो इनमें दरअसल जैसे ह्यूमंस के अंदर आर्टरीज वेन्स होती हैं ब्लड के लिए, इनके अंदर वाटर के लिए जो है वो एक स्पेशल कैनाल सिस्टम होता है जिसमें पानी भरा होता है। दीज कैनाल्स आर यूज्ड, और इन कैनाल्स का फंक्शन क्या है आगे चल के हम इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं, क्योंकि इसकी काफी सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दी हुई है। These canals are used in locomotion, attachment and feeding. Then, their digestive tract may be scantily reduced. दरअसल इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो इतना हाईली एडवांस्ड नहीं है, इनमें लेस एडवांस्ड है। उसके बाद है हेमल सिस्टम is derived from siloamic cavities. तो सिलोम क्या है? हमने कहा था कि मेसोडर्म जो हमारे दरमियान में टिश्यू पड़े हुए हैं, किसके, एंडोडर्म के और एपिडर्मस के या एक्टोडर्म्स के, वहां पर सिलोम बनती है फॉर प्लेसिंग ऑर्गन्स। तो वो प्लेस हमारे पास वो भी दो तरह से बनती है कि जो ड्यूटोस्टोम्स हैं उसमें आउट जो है वो पैकिंग या पाउच फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोपोर या गट से बनती है, जबकि जो प्रोटोस्टोम्स होते हैं उनमें जो है वो शीजोसीलस होती है, कि मेसोडर्म अंदर से स्प्लिट हो जाती है और सिलोम बन जाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे चल के कि एंटीरियो जो है ना इनमें वो हाइपोथेसिस है, तो जिसमें क्या होती है आउट पाउचिंग होती है गट से और वहां से सिलोम बनती है। तो इनमें सिलोम बनने के साथ साथ एक हैमल सिस्टम बनता है, और वो क्या है, दरअसल हैमल का मतलब है ब्राइटेस्ट स्टार, और आसमान पर जब ब्राइटेस्ट स्टार चमकता है तो उसके 5 आर्म शो होते हैं। जैसे एज अ पाकिस्तानी हमारे जो नेशनल फ्लैग है उस फ्लैग में भी जो सितारा बना हुआ है उसके भी 5 आर्म्स हैं। तो इस तरह जो वर्ड हैमल है ब्राइटेस्ट स्टार है,
और हम इसको देखेंगे कि ब्राइटेस्ट स्टार जब दूर से चमकता है तो क्या उसके फाइव आर्म्स नजर आते हैं, तो इसको हम यहाँ देखेंगे। तो आप देखें आसमान पर ये जो स्टार बने हुए हैं, ये स्टार बने हुए हैं जब दूर से चमकते हैं तो इनके ऐसे शो होते हैं जैसे आर्म्स हैं। इसको आप जो है वो छोटी तस्वीर में देखें इन रियल, तो यहाँ पर हैमल भी लिखा हुआ है और इनके जो चमक है उस चमक से इनके आर्म्स बन रहे हैं, तो दरअसल इसको हैमल कहते हैं। और क्योंकि ये एकाइनोडर्म्स इन द फॉर्म ऑफ हैमल नजर आ रहे हैं, इसलिए इनमें हम कहते हैं इनमें हैमल सिस्टम है, कि इनमें फाइव आर्म्स हैं, अपेंडेजेस हैं, और इनकी सिमेट्री पेंटा रेडियल सिमेट्री भी इसलिए कहते हैं कि इनके जिन आर्म से मर्जी हम इनको दो इक्वल पार्ट में कट कर दें तो ये इजीली जो है वो टू हाल्व्स में चेंज हो जाते हैं इन एनी ऑफ द फाइव प्लेन। तो नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व नेट्स, नर्व रिंग एंड रेडियल नर्व्स। तो अभी जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एकाइनोडर्म्स का तो पता चलेगा कि इनमें जो माउथ होता है और एनस होता है और इनकी जो मेड्रोपोराइट्स प्लेट होती है उनके गिर्द जो है वो स्पेशल रिंग होते हैं और उनके फॉर्मेशन होती है। तो जहां पर बॉडी स्ट्रक्चर सर्कुलर होगा तो वहां नर्व्स भी तो इन द फॉर्म ऑफ रिंग होंगे और इन द फॉर्म ऑफ रेडियल नर्व्स होंगे, और जहां पर आर्म्स होंगे नर्व नेट होंगे वहां पर, तो इनमें नर्व्स होती हैं। तो नेक्स्ट सब हेडिंग है हमारी रिलेशनशिप टू अदर एनिमल्स। हम देखेंगे कि एकाइनोडर्म्स का दूसरे एनिमल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। द एकाइनोडर्म्स हेमिकॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स फॉलोइंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। इनमें क्या क्या कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तीन का आपस में, दे ऑल आर ड्यूटीरोस्टोम्स। देन पहली के जो सिमेट्री और एडवांस्ड एनिमल का ग्रुप है सबसे वो ये है ड्यूटीरोस्टोम्स, और इसमें तीनों ये फाइलम आ जाते हैं। एनस इज डिवेल्प्ड फ्रॉम, हाँ जी एनस इज डिवेल्प्ड फ्रॉम ब्लास्टोपोर। तो इनमें जो एनस होता है वो ब्लास्टोपोर बनाता है और माउथ बनता है एट सम प्लेस और एट सम प्लेस अवे फ्रॉम द ब्लास्टोपोर। तो ब्लास्टोपोर से थोड़ा सा दूर और जगह से माउथ बनता है, ब्लास्टोपोर से एनस बनता है। जबकि जो हमारे पास प्रोटोस्टोम्स हैं उनमें ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है और ड्यूटोस्टोम्स में ब्लास्टोपोर जो है वो एनस बनाता है। द सिलोम इज एंटीरोसिलस, द सिलोम इज एंटीरोसिलस। जैसा कि मैंने कहा था कि जो शिजोसिलस होता है मीजोडर्म स्प्लिट होता है और एंटीरोसिलस में क्या होती है जो है वो पॉकेटिंग होती है, आउट पॉकेटिंग होती है फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक गट्स। इट इज फॉर्म्ड बाय द आउट पॉकेटिंग ऑफ द एम्ब्रियोनिक गट, के जो हमारे पास एंडोडर्मस है उससे आउट पॉकेटिंग बनती है, पाउच बनते हैं और वही सिलोम बनाते हैं। दे हैव रेडियल, देन दे हैव रेडियल एंड इनडिटर्मिनेट क्लीवेज। तो इनकी जो सिमेट्री है वो रेडियल है। दरअसल कहाँ रेडियल है, हमने कहा इनमें जो लार्वल स्टेज होती है वो तो हमारे पास बाइलेटरल होती ही होती है, लेकिन इनमें रेडियल सिमेट्री इन द फॉर्म ऑफ जो एडल्ट है उनमें होती है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर रेडियल सिमेट्री की बात कहाँ हो रही है, आपको याद है कि जब हमने सेल क्लीवेज पढ़ी थी तो हमने कहा था कि एक रेडियल होती है और एक जो सेकेंड फॉर्म होती है वो रेडियल नहीं होती बल्कि वो स्केयर होती है, वो रेडियल फॉर्म नहीं होती। तो इनमें सेल की जो तकसीम है एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, देन चौसठ और एटसेट्रा आगे तक मिलियंस में जाना, तो वो रेडियल है। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होती है, दरअसल बहुत से स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होती है। हमें पता है कि जब एग और स्पर्म फर्टिलाइजेशन करते हैं तो उससे सबसे पहले एक सेल बनता है जो जाइगोट है, सेल एक से दो बनते हैं, देन दो से चार और इस तरह सेल तकसीम होते जाते हैं। तो दरअसल लाइफ का आगाज एक सेल से ही हुआ, अगर एक सेल से ही लाइफ का आगाज हुआ है तो अगर वो सेल ये जानता था कि उसने बड़े होकर
ऑर्गेनिज्म बनाना है या हर सेल उनमें से ये जानता था कि उन्होंने बड़े होकर क्या बनाना है, जब वो डिवीजन करते जाएंगे तो उन्होंने क्या बनाना है, जब उनको पता था, तो इस चीज को इनडिटर्मिनेट क्लीवेज कहते हैं और इसकी डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं। इनडिटर्मिनेट क्लीवेज डिवीजन ऑफ एन एग इंटू सेल्स, डिवीजन ऑफ एन एग इंटू सेल, एग्स की डिवीजन सेल में, ईच ऑफ विच हैज द पोटेंशियल ऑफ डिवेलपिंग इंटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, और इनमें से हर सेल ये एबिलिटी रखता हो कि जिसके जिम्मे ये काम लगाया जाएगा कि वो स्पर्म से मिलकर जायगोट बनाएगा, तो वो जानदार बना सकता है, वो जानदार बना सकता है कि एग में जो डिवीजन होती है, और एग तो बहुत सारे बनते हैं, उनमें से फर्टिलाइज तो एक होता है, और जो हो जाता है उसमें ये सलाहियत है कि वो पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अगर वो ना होता, उसके साथ वाला हो जाता, तो उसमें भी ये एबिलिटी है कि वो भी पूरा जानदार बना देता। तमाम सेल में ये एबिलिटी होती है एग्स के कि वो एक पूरा का पूरा जानदार बना सकते हैं। Therefore, they have common ancestors. लिहाजा इन तीनों का ancestor तो common है, लेकिन unfortunately, बदकिस्मती से fossils of a common ancestor of these phyla were not discovered. कि साइंस ने बड़ी कोशिश की कि इन तीनों फाइलम का एक ancestor जो है वो तलाश किया जाए, हमें मिल जाए, ताकि हम श्योर हो जाए कि इन तीनों का एक ही ancestor है, पर उन्हें नहीं मिला। Therefore, it could not be proved how deuterostomes lineage was derived from ancestral diploblastic or triploblastic stocks. Lihaza, hamein yeh saboot nahi mil saka ki jo deuterostomes hain, inki jo shajra-e nasab hai, wo kis jo hai wo abao ajdaad se nikla hai, ancestors se nikla hai, ancestral diploblastic se nikla hai ya triploblastic se nikla hai. इन दोनों में से पॉसिबल है कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक से इवॉल्व हुए हों या डिप्लोब्लास्टिक से डायरेक्ट इवॉल्व हुए हों। द एडल्ट एकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल, एडल्ट तो रेडियल है ही है, बट मोस्ट जूलॉजिस्ट बिलीव दैट एकाइनोडर्म्स इवॉल्व फ्रॉम बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंसेस्टर्स। अब हमने इनसे पहले आर्थ्रोपोड पढ़ा, आर्थ्रोपोड से पहले हमने मुलस्क पढ़ा, फिर आर्थ्रोपोड पढ़ा, उससे पहले एनिलेट्स पढ़ा, तो ये सारे के सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं। तो दरअसल इसको हमने हेमिकॉर्डेट के साथ रखा ही इसलिए है, जो शोर करता है, जो इस बात की यकीन दहानी कराता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक से ही इवॉल्व हुआ होगा, और इसका नंबर मुलस्क के बाद ही आता है और हेमिकॉर्डेट के साथ आता है, जो ये बताता है कि ये वेल एडवांस्ड है बनिस्बत आर्थ्रोपोड्स के, मुलस्क के, एनिलियर्स के, प्लेटीएलमंथीज के, एस्केलमंथीज के, देन सिलेंट्रेटा के एंड पोरिफ्रा के। तो देयर आर टू एविडेंस ऑफ दिस रिलेशनशिप। तो अगर वो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन से इवॉल्व हुए हैं और बाइलेटरल सिमेट्री से इंसेस्टर्स ही थे इनके भी, तो इसके दो हमें एविडेंस मिले हैं जी। देयर लार्वी हैव बाइलेटरल सिमेट्री, कि इनके जो लार्वी हैं उनकी बाइलेटरल सिमेट्री है। द एक्सटिंक्ट एकाइनोडर्म्स वर नॉट रेडियली सिमेट्रिकल, और दूसरा हमें ये भी एविडेंस मिला है कि जो एक्सटिंक्ट हो गए एकाइनोडर्म्स, वो सारे के सारे बाइलेटरल सिमेट्री थे, उनमें से किसी की भी रेडियल सिमेट्री नहीं थी। तो नेक्स्ट है हमारे पास एकाइनोडर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन एक्सप्लेनेशन। अब हम एक्सप्लेन करके इसको पढ़ेंगे कि एकाइनोडर्म्स की सिमेट्री क्या है और इसमें क्या क्या फीचर्स और भी हैं। तो एकाइनोडर्म्स कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर 7,000 स्पीशीज ऑफ लिविंग एकाइनोडर्म्स, यहाँ आर आना चाहिए था, देयर आर 7,000 स्पीशीज ऑफ लिविंग एकाइनोडर्म्स। तो हमारे पास 7,000 स्पीशीज है एकाइनोडर्म्स की। They are exclusively marine, ये सारी के सारी रहती हैं कहाँ रहती हैं, मैरीन में, समंदर में। They are present at all depth in the ocean, ये पानी की हर गहराई की सतह पर मौजूद हैं। They have following characteristics, characters, सबसे पहले है symmetry, modern echinoderms have a radial symmetry. This radial symmetry is called pentaradial. इसको pentaradial क्यों कहते हैं, इसको भी हम देखते हैं। सबसे पहले जी हम सिमेट्री
इससे पहले वर्ड इस्तेमाल हुआ है पेंटारेडियल, तो उसका सेकंड वर्ड जो सिमेट्री है वो यहां इस्तेमाल किया गया है। देयर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज इन फाइव, इनकी जो बॉडी है वो पांच में डिवाइडेड है या मल्टीपल ऑफ पांच फाइव में डिवाइडेड है। देयर बॉडी पार्ट्स आर अरेंज इन फाइव आर मल्टीपल ऑफ फाइव अराउंड एन ओरल ए बोरल एक्सिस। अब बोरल ओरल ए बोरल एक्सिस, तो सबसे पहले तो आप एक बात जान लें कि ये जो स्टार फिश है, जिसे दरअसल जो सी स्टार है, इन रियल इसका नाम सी स्टार है, जो हमें यहाँ डायग्राम में भी दिखाई दे रही है। दरअसल आपको पता है कि आपका जो हैंड होता है, इसका जो नीचे वाली हथेली है ये वेंट्रल साइड है, और इसका जो अपर पार्ट है बॉडी, जो हैंड का ऊपर वाला हिस्सा है, ये हमारे पास डॉर्सल पार्ट होता है। तो जो सी स्टार होती है, सी स्टार होती है, इसका जो एनस पोर्शन है और मेड्रिपोराइट्स पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है ये डॉर्सल साइड पर है, और इसका माउथ वेंट्रल साइड पर है, और ये हमेशा इसकी वेंट्रल साइड जो है वो ओशन की बेस यानी डेप्थ या उसकी जो सरफेस है नीचे मेरिन की, उसकी तरफ होता है, और जो इसका एनस पोर्शन है वो ऊपर की जानब होता है, ऊपर से होता है, वाटर सरफेस की तरफ से होता है। तो अब एंगल क्या, ये एक्सिस क्या होता है? अब हमारे पास ऊपर से इसका एनस पोर्शन है और नीचे सॉरी नीचे से पहले ओरल वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ओरल नीचे से है, एबोरल ऊपर से है, एनल ऊपर है, इन दोनों के दरमियान एक लाइन खींच दें तो जो एक्सिस बन जाएगा उसे हम ओरल एबोरल एक्सिस कहेंगे। तो इसको मैं आपको डायग्राम से थोड़ा सा वजाहत कर दूं। अब इसे हैंड को देखें जी आप, जहां पर ये एरो है ये डॉर्सल रीजन है, और ये जो रीजन है जैसे हम नजर आ रही है ये वेंट्रल रीजन है। तो हमारे पास जैसे ये हैंड यहाँ पर है, जैसे बिल्कुल इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो नीचे से वेंट्रल साइड है, वेंट्रल साइड पर जो सी स्टार है इसका माउथ होता है, और ये जो ऊपर वाली रीजन है यहाँ पर अगर हम स्टार सी स्टार की डायग्राम यहाँ देखें तो यहाँ पर पता चलेगा कि एनस है जो ऊपर से है। अब यहां से लाइन खींचे और नीचे माउथ तक ले आए, तो जो ये लाइन बनी है इस लाइन को हम कहते हैं ओरल एबोरल एक्सिस। रेडियल सिमेट्री इज एन एडाप्टेशन फॉर सेडेंट्री और स्लो मूविंग एनिमल्स। दरअसल इनकी रेडियल सिमेट्री है ही इसके लिए कि ये एनिमल्स स्लोली मूव कर सकें। इट अलाउज अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंसरी फीडिंग एंड अदर स्ट्रक्चर अराउंड द एनिमल। ये जो इनके आर्म्स हैं, पेंटा रेडियल आर्म्स हैं, ये इनको अलाउ करते हैं कि इनमें जो सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है सेंसरी नर्व्स की, वो इक्वल हो, फीडिंग्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी इक्वल हो, और उसके साथ साथ जितने भी स्ट्रक्चर हैं वो इक्वली इन पांचों के पांचों आर्म में डिवाइडेड हो। सम मोटाइल एकिनोडर्म्स हैव सेकेंडरीली रिटर्न टू बाइलेटरल सिमेट्री। और हमारे लिए हैरानी की बात यह है कि हमने कहा कि जो एकिनोडर्म्स एडल्ट हैं वो रेडियल सिमेट्री रखते हैं, लेकिन हमें ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कुछ एडल्ट अब इवॉल्व होकर दोबारा से बाइलेटरल सिमेट्री की तरफ आ गए हैं। तो वो अभी जारी है एवोल्यूशन, तो जब उनकी मेजर स्टडी आ जाएगी तो वो भी बुक्स में हम पढ़ेंगे। सिमेट्री फर्स्ट फीचर था, अब हम पढ़ते हैं जी सेकंड फीचर जो कि है एक्सोस्केलेटन। तो द स्केलेटन ऑफ एकिनोडर्म्स कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट प्लेट्स कॉल्ड ऑसिकल्स। तो जब हमने चैप्टर स्टोरी शुरू किया था तो आपको डायग्राम से दिखाया था कि ऑसिकल्स क्या होते हैं। दीज प्लेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म। मैंने आपको वहां करेक्शन करवाई थी कि वहां जो एंडोडर्मल टिश्यू लिखा हुआ है वो रॉन्ग है, दरअसल मेसोडर्म से इवॉल्व होते हैं, और यहाँ ठीक लिखा हुआ है दीज प्लेट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म, ये मेसोडर्म से इवॉल्व होती हैं। द कनेक्टिव टिश्यू हेल्प देम इन प्लेस। तो क्योंकि एकिनोडर्म लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, इनमें टिश्यू मौजूद हैं, उनमें से एक टिश्यू की किस्म कनेक्टिव टिश्यू है जो क्या करती है, इन
जो हमारे पास एंडोस्केलेटन है, जो एंडोस्केलेटन है उनको जोड़े रखती है। अब हमने तो पढ़ा है पीछे कि इनमें एकाइनोडर्म्स में एंडोस्केलेटन होता है, लेकिन यहां पर एक्सोस्केलेटन क्यों लिखा हुआ है? दरअसल हम अभी पढ़ेंगे कि जो ऑसिकल्स हैं, इनमें से स्पाइन्स फॉर्म के ऑसिकल दरअसल कुछ एपिडर्मस से बाहर भी शो होते हैं, और कुछ में बहुत कम में जो है वो इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, वो थोड़े से ह्यूज फॉर्म में होते हैं। तो इसलिए यहाँ टर्म एक्सोस्केलेटन इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इसको यहाँ एंडोस्केलेटन ही इस्तेमाल करना चाहिए था। द कनेक्टिव टिश्यू होल्ड देम इन प्लेस, द ऑसिकल्स कम आउट फ्रॉम द एपिडर्मल लेयर्स। वो थे तो अंदर ही, लेकिन वो बाहर भी आ जाते हैं। जब वो बाहर आएंगे तो फिर उसे एक्सोस्केलेटन तो काउंट करेंगे, लेकिन इन मेजर ये एंडोस्केलेटन ही रखते हैं। तो द स्केलेटन मे बी मॉडिफाइड इनटू फिक्स्ड और आर्टिकुलेटेड स्पाइन्स। तो जो ये स्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, जो बाहर की तरफ स्पाइन्स की फॉर्म में आ गया, वो फिक्स भी हो सकता है और आर्टिकुलेटेड भी हो सकता है। आर्टिकुलेटेड क्या हो सकता है? कि वो सारा का सारा एक ही स्पाइन नहीं होगा, बल्कि वो जॉइंटेड जॉइंटेड स्पाइन होगा। प्रोवाइड विद अ जॉइंट स्पाइन, प्रोवाइड विद अ जॉइंट। तो दीज स्पाइन्स प्रोजेक्ट फ्रॉम द बॉडी सरफेस, और वो जब बॉडी सरफेस से बाहर आ जाते हैं तो फिर वो एक्सोस्केलेटन बनाते हैं। इसलिए एक्सोस्केलेटन फीचर इनका लिखा हुआ है। द एवोल्यूशन ऑफ स्केलेटन प्रोड्यूस्ड पेंटा रेडियल बॉडी फॉर्म। तो एवोल्यूशन हुई जो स्केलेटन की, उसने क्या किया? पेंटा रेडियल बॉडी फॉर्म बनाई। द जॉइंट्स बिटवीन टू स्केलेटन प्लेट्स आर वीक पॉइंट्स इन द स्केलेटन, और जहां इनमें जॉइंट्स बनते हैं वो जॉइंट वीक होता है। द वीक जॉइंट्स आर नॉट डायरेक्टली अपोजाइट्स वन अनदर। तो ये जो जॉइंट्स होते हैं वो सूटेबली फिट नहीं होते एक दूसरे के अंदर, और अगर वो सूटेबली फिट हो तो वो स्ट्रांग नहीं होते। इसका तज़किरा नेक्स्ट लाइन में किया गया है। दिस स्केलेटन इज स्ट्रॉन्गर देन द जॉइंट्स एपोसाइट टू ईच अदर। जो जॉइंट इनके स्पाइंस में बनते हैं और वो सूटेबली फिट होते हैं वो वीक होते हैं, और जो सूटेबली फिट नहीं होते वो स्ट्रांग होते हैं। और ये इसी लाइन में यही बात की गई है कि दिस स्केलेटन विच इज नॉट अपोसाइट वन अनदर इज स्ट्रॉन्गर देन द जॉइंट्स अपोसाइट टू ईच अदर। तो इनमें जो मेजर फीचर है नेक्स्ट, वो है वाटर वास्कुलर सिस्टम, और इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। और एक बार आप इसको समझ लेंगे तो लाइफ टाइम जो है आपको ये टॉपिक कभी परेशान नहीं करेगा, क्योंकि आपका सारा कंसेप्ट इसका क्लियर होगा। तो अब हम पढ़ते हैं वाटर वास्कुलर सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स। द वाटर वास्कुलर सिस्टम ऑफ एकाइनोडर्म्स इज कंपोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ वाटर फील्ड कैनाल, और हमने फर्स्ट पेज पर ये बात पढ़ी है। तो वाटर वास्कुलर सिस्टम ओरिजिनेट्स इन एम्ब्रियो एज अ मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम। हमें पता है कि एकाइनोडर्म्स सीलोमेट्स हैं, ट्रू सीलोमेट्स हैं, इनमें सीलोम बनती है, और जब एम्ब्रियो डिवेलप हो रहा होता है सीलोम तब ही बन जाती है, और तब सीलोम बन गई है। तो जब ऑर्गेनिज्म एडल्ट होगा जाहिर है कि इसका कोई ना कोई फंक्शन तो होगा, तो इसमें वाटर कैनाल सिस्टम भी बना। कहां से? मॉडिफिकेशन ऑफ सीलोम से। इट इज सिलिएटेड, इनमें सिलिया होते हैं इंटरनली अंदर वाली वॉल में। वाटर वास्कुलर सिस्टम हैज फॉलोइंग पार्ट्स। तो इसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जी? पहले हम डायग्राम देखते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट पेज पे डायग्राम है। इस डायग्राम को सबसे पहले हम गौर से देखते हैं, और इस डायग्राम में मैंने नंबरिंग भी की हुई है। सबसे पहले हम रिंग कैनाल पढ़ेंगे, और इस डायग्राम को देखकर हमारे माइंड में एक बात आती है कि हमने तो पढ़ा कि जो सी स्टार है उसकी वेंट्रल साइड नीचे होती है और उसकी डोर्सल साइड ऊपर होती है। और ये डोर्सल साइड ही दिखाई गई है, इसमें एनस तो मार्क नहीं है, लेकिन इसकी जो फॉर्म है वो दिखाई गई है। तो इसको हम यहां पर देखेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास रिंग कैनाल। अब डायग्राम में देख सकते हैं, इसको मैं आपको वाजे क्लियर डायग्राम भी दिखाऊंगा। तो सेकंड है हमारे पास स्टोन कैनाल। दरअसल
ये एक सर्कुलर ट्यूब है, सर्कुलर कैनाल है जो बाहर एनवायरनमेंट से भी कांटेक्ट करेगी और पांचों आर्म्स को भी मास्टरमाइंड के तौर पर कंट्रोल करेगी इन दी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स। तो उसके बाद है जी, ये आप डायग्राम में देखें कि मेड्रीपोराइट लिखा हुआ है, ये दरअसल वो छननी है, वो कांटेक्ट पॉइंट है जो बाहर एनवायरनमेंट से वाटर की जो है वो इनलेट और आउटलेट करता है। पानी को जरूरत हो तो अंदर भी ले लेता है और जरूरत ना हो तो बाहर भी भेज देता है। ये इसकी जो डोर है ये मेड्रीपोराइट है, इसके नीचे जो कैनाल है जो मेड्रीपोराइट और रिंग कैनाल को कनेक्ट करती है इसे स्टोन कैनाल कहते हैं। और इसके बाद है जी हमारे पास 4 in numbers टेडमन बॉडी। टेडमन बॉडी दरअसल ये स्वेलिंग्स हैं, ये जो है ये आप देख सकती हैं ये वाइट कलर में जो आउट पाउचेस नजर आ रहे हैं, ये जो है वो एक्स्ट्रा बैग्स हैं जिनमें ये फ्लूइड को सिक्योर कर सकते हैं, रख सकते हैं अपनी जरूरत के तहत इस्तेमाल करने के लिए। सॉरी टेडमन, ये जो आप सर्कल देख रहे हैं रिंग कैनाल, इसके ऊपर जो स्वेलिंग बॉडीज हैं, ये स्वेलिंग बॉडीज जहां पर आपको ये एरो नजर आ रहा है ये स्वेलिंग बॉडीज, इन्हें हम कहते हैं जी टेडमन बॉडी। और जो एक्स्ट्रा बैग्स हैं ये वाली अपेंडेजेस, इन्हें हम पोलियन वेजिकल्स कहते हैं, ये जो है एक्स्ट्रा वस्कुलर फ्लूइड को सिक्योर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं एज अ सेविंग। देन हमारे पास 6th रेडियल कैनाल, इस रिंग कैनाल से जो ट्यूब निकलती है आर्म में जाने के लिए, आर्म में जाने के लिए, इनके बाजू में जाने के लिए, स्टार स्ट्रैंड में जाने के लिए, उसे रेडियल कैनाल कहते हैं। और फिर इनसे मजीद छोटी वेन्स निकलती हैं, जैसे पौधे के पत्ते में होती हैं छोटी छोटी वेन्स निकलती हैं, इन वेन्स को जो निकलती हैं और जाती हैं एक स्ट्रक्चर के पास जो देखें ये बल्ब लाइक लग रहा है, इसका नीचे ट्यूब फिट है और ऊपर एम्प्यूला है, तो इसको भी हम पढ़ते हैं। तो हमारे पास देन है ये लेटरल कैनाल जो दरअसल कहाँ से, रेडियल कैनाल से निकल रही है और फिर ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर की तरफ आ रही है, ये देखें ये वाली छोटी सी जो मेन कैनाल से सब कैनाल छोटी कैनाल निकल रही है। अब ये आप बल्ब लाइक स्ट्रक्चर देखें, इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको एम्प्यूला कहते हैं और नीचे वाले स्ट्रक्चर को ट्यूब फीट कहते हैं, ट्यूब फीट कहते हैं। इनमें दरअसल सक्शंस होते हैं, सक्शंस बॉडी पार्ट होते हैं जो सरफेस के साथ अटैचमेंट के लिए सक्शन क्रिएट करते हैं और ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच हो जाते हैं, तो इनको हम तफसील से पढ़ेंगे। सबसे पहले रिंग कैनाल, द वाटर वास्कुलर सिस्टम हैज अ रिंग कैनाल, तो इनका एक रिंग कैनाल होता है, दिस रिंग कैनाल सराउंड्स द माउथ, और ये माउथ को सराउंड करती है, कैसे हम इसको डायग्राम से भी देखेंगे। सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखें कि अगर हम सॉरी मैंने लास्ट टाइम कहा कि डॉर्सल साइड हमने ऊपर रखी है, नहीं, जब आपको पता है कि एफएससी में आपने मेंढक का ऑपरेशन किया होगा, टोड का ऑपरेशन किया होगा, तो उसकी जो वेंट्रल साइड है बॉडी का उलट साइड, उसको हम जो है वो पिनअप करते हैं बोर्ड पर और फिर उसकी डाइसेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह हमने सी स्टार को भी लिया, उसको उलट किया, उसकी वेंट्रल साइड ऊपर की तरफ की और फिर उसको हमने ऑपरेट करना शुरू किया, तो हमारे पास ये फॉर्म आई जी। तो इसमें सबसे पहले रिंग कैनाल आपको नजर आ रही है, उसके बाद ऊपर इन्वायरमेंट से कॉन्टेक्ट करने के लिए ये कीफ नुमा स्ट्रक्चर जो ऊपर निकल रहा है इसे स्टोन कैनाल कहते हैं, और स्टोन कैनाल के ऊपर जो है मेड्रीपुराइट, वो छननी है, वो जाली है, ऐसी है बिल्कुल जैसे हम चाय छानने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बिल्कुल ऐसी है। ये क्या करती है, वाटर कंसंट्रेशन को बैलेंस करती है ऑर्गेनिज्म के अंदर और बाहर इन्वायरमेंट में। तो इसके साथ साथ आप देखें कि मैंने आपको कहा था कि टेडमेंस बॉडी जो है ये स्वेलिंग्स हैं, ये एक्स्ट्रा स्वेलिंग्स हैं, टेडमेन बॉडी ये है, और जो आउट पाउचेस हैं टू सिक्योर एक्स्ट्रा वाटर पोलियन, हमारे पास पोलियन वेजिकल्स हैं। देन इसके अलावा जो बाकी स्ट्रक्चर्स हैं हम, मैं आपको क्योंकि यहाँ लेबल कम है तो ऐसे बता देता हूँ, लेबलिंग वाली डायग्राम भी हम देखते हैं। तो ये है हमारे पास देन इसकी रेडियल कैनाल, रेडियल कैनाल से ये जो छोटी कैनाल निकल रही है इससे हम कहते हैं, यहाँ पर क्लियर नजर आ रही है जी, इसे हम कहते हैं लेटरल कैनाल, और ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है इसको नीचे से ट्यूब फीट और ऊपर से एम्प्यूला कहते हैं। तो इसको हम मजीद एक और डायग्राम से भी देखते हैं, इस डायग्राम से देखें जी, इसमें रिंग कैनाल भी क्लियर नजर आ रही है,
मेड्रीपोराइट भी क्लियर नजर आ रहा है, स्टोन कैनाल भी क्लियर नजर आ रही है, रेडियल कैनाल भी क्लियर नजर आ रही है, उसके साथ साथ एम्प्यूला नजर आ रहे हैं, और इसके साथ साथ जो है इन्होंने यहाँ पर लेटरल कैनाल नहीं दिखाई, तो वो लेटरल कैनाल मैंने आपको प्रीवियस डायग्राम में दिखा दिया, और उसके साथ साथ जो है जो डायग्राम हमारी बुक में है उससे भी दिखा दी है, और ये ट्यूब फीट है, ये नीचे वाला पोर्शन है इस ब्लब लाइक स्ट्रक्चर का। देन स्टोन के अलावा अभी हमने डायग्राम में देखा, अब हम रीडिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। देन द रिंग कैनाल ओपन्स आउटसाइड थ्रू द स्टोन कैनाल, डायग्राम से क्लियर हो गया जी। ये ऊपर सीव जो छननी है उसके हेड की तरफ जा रही है लाइक अ कीफ, तो वो जो कीफ है छननी है उसे हम कहते हैं मेड्रीपोराइट्स, अ सीव लाइक छननी जिससे हम चाय छानते हैं। लाइक प्लेट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ स्टोन कैनाल इट इज कॉल्ड द मेड्रीपोराइट। मेड्रीपोराइट इज यूज्ड एज एन इनलेट, ये वाटर को अंदर आने देती है जब बॉडी में वाटर कंसेंट्रेशन कम हो जाती है। इट रिप्लेसेस वाटर लॉस्ट फ्रॉम द वाटर वास्कुलर सिस्टम, अगर वाटर वास्कुलर सिस्टम से पानी किसी तरह जाया हो गया है तो ये इस स्ट्रक्चर से पानी को मैरीन से लेगी और अंदर भेज देगी और बॉडी को बैलेंस कर देगी। देयर फॉर दीज इक्विलाइजेस प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द वाटर वास्कुलर सिस्टम एंड द आउटसाइड, और ये बॉडी में और एनवायरनमेंट में वाटर प्रेशर को बैलेंस कर देती है ताकि ऑर्गेनिज्म स्ट्रेस में ना रहे। तो इसका जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो टेडमेन बॉडीज है, दीज आर स्वेलिंग्स। कैसे स्वेलिंग्स हैं तो इस डायग्राम से देखते हैं जी। दीज आर द स्वेलिंग्स ऑन द रिंग कैनाल, तो टेडमेन बॉडीज आर स्वेलिंग्स ऑन द रिंग कैनाल। तो हमारे पास ये आ गया, दीज आर स्वेलिंग्स, दीज आर एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल, ये रिंग कैनाल पर होती हैं। दे आर द साइट्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ फेगोसाइटिक सेल्स फॉर इंगल्फिंग फूड और अदर थिंग्स, तो फेगोसाइटिक सेल्स बनाते हैं कॉल्ड सिलोमोसाइट्स, तो इन्हें हम सिलोमोसाइट्स कहते हैं जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सिलोमोसाइट्स, तो सबने इसको याद करना है जी, ये फेवरेट क्वेश्चन है। देन पोलियन वेजिकल्स आर सैक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, पोलियन वेजिकल्स आर सैक लाइक स्ट्रक्चर, हाउ दीज आर द पोलियन वेजिकल्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, दे आर ऑल्सो एसोसिएटेड विद द रिंग कैनाल, ये भी रिंग कैनाल से जुड़े हुए हैं। देयर फंक्शन इज स्टोरेज ऑफ फ्लूइड फॉर द वाटर वास्कुलर सिस्टम, वाटर वास्कुलर सिस्टम के लिए फ्लूइड को स्टोर करते हैं कि जब इनको जरूरत पड़ जाए तो जरूरत के तहत उसको इस्तेमाल कर सकें। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास रेडियल कैनाल। फाइव आर मल्टीपल ऑफ फाइव रेडियल कैनाल्स अराइजेज फ्रॉम द रिंग कैनाल, रिंग कैनाल से पांच मजीद कैनाल निकलती हैं जो हर बाजू में जाती हैं। रेडियल कैनाल्स आर प्रेजेंट इन द आर्म्स ऑफ स्टार शेप्ड एकाइनोडर्म्स, और ये ज्यादातर कहाँ मौजूद होती हैं, स्टार शेप्ड एकाइनोडर्म्स में जो कि सी स्टार है, और इसके अलावा और भी कुछ टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। इन अदर एकाइनोडर्म्स, जो बाकी एकाइनोडर्म्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द बॉडी वॉल, ये कनेक्टेड होते हैं बॉडी वॉल के साथ बाकी इंडिविजुअल्स में, खासतौर पर उनमें जिनमें स्टार शेप्ड आर्म्स नहीं होते हैं। तो दे फॉर्म एन आर्च टूवर्ड दी एबोरल पोल, ये आर्च बनाते हैं एबोरल पोल की तरफ, क्योंकि एबोरल पोल पर एनस होता है और एनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रिमूवल के लिए अहम रोल प्ले करता है। तो इसके साथ देन है लेटरल कैनाल्स, मैनी लेटरल कैनाल अराइज फ्रॉम द रेडियल कैनाल। तो रेडियल कैनाल से डायग्राम में आप देखें कि रेडियल कैनाल से, इस रेडियल कैनाल से, तो आप देखें ये जो रेडियल कैनाल है, ये जो रेडियल कैनाल है इससे मजीद ये जो कैनाल्स निकल रही हैं ये लेटरल कैनाल्स हैं, और लेटरल किनको कहते हैं, साइड्स को कहते हैं। तो ये साइड से जो कैनाल निकल रही हैं इन्हें लेटरल कैनाल कहते हैं, और लेटरल कैनाल के साथ ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ये इसका जो ऊपर वाला हेड शेप स्ट्रक्चर है इसे एम्प्यूला कहते हैं, और ये जो नीचे वाला है इसमें ये ग्रूव भी नजर आ रहा है, तो
तो ये सेक्शन ग्रूव होता है, तो इसको ट्यूब फीड कहते हैं। द एंड्स एट ट्यूब फीड्स, और ये जो है वो खत्म होते हैं ट्यूब फीड पर। तो हमारे पास नेक्स्ट है ट्यूब फीड्स। अब हम इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो हमारे पास ट्यूब फीड आर एक्सटेंशंस ऑफ द कैनाल सिस्टम, क्योंकि जो लेटरल कैनाल्स हैं उन कैनाल से ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर निकला है। दे इमर्ज थ्रू ओपनिंग्स इन द स्केलेटल ऑसिकल्स, तो जहां पर ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, एंडोस्केलेटल ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, वहां पर जब ये बनते हैं तो इनको स्पेस मिल जाती है बनने के लिए। द ट्यूब फीट एंड इन अ बल्ब लाइक मस्कुलर एम्प्यूला, तो बल्ब लाइक जो हेड है वो एम्प्यूला है। द एम्प्यूला कंट्रैक्ट्स एंड इट फोर्सेस वाटर इनटू द ट्यूब फीट, और ट्यूब फीट कहाँ है, वो नीचे वाले हिस्से में है। ट्यूब फीट कहाँ है, बल्ब का नीचे वाला हिस्सा ट्यूब फीट है। और ऑसिकल्स कैसे एंडोस्केलेटन है, आप इस डायग्राम में देखें, ये जो ऑसिकल्स हैं ये जो एपिथीलियम है इसके अंडर मौजूद है और यहां मौजूद है। इसका मतलब बुक ने सही कहा कि जो ऑसिकल्स हैं वो एंडोस्केलेटन में है, इन द फॉर्म ऑफ एंडोस्केलेटन है, और इनके ऊपर एपिथीलियम मौजूद है, और इसका ये सेंटेंस भी आएगा। The ampulla contracts and it forces water into the tube feet. Thus, the tube feed extends. Tube feed extends. जो हमारे पास ट्यूब फीट है, दरअसल जो ट्यूब फुट है वो क्या हो जाती है, एक्सटेंड हो जाती है और सरफेस के करीब चली जाती है, और वहां पर अपना सेक्शन ग्रूव जो है वो क्रिएट सेक्शन क्रिएट करती है और सरफेस के साथ अटैचमेंट होने के लिए रेडी है। द ट्यूब फुट हैज अ सक्शन कप एट इट्स डिस्टल एंड, और डिस्टल एंड आखिरी एंड को कहते हैं। जैसे हमारी बॉडी के जो पैर हैं उसकी उंगलियां हैं वो एंड है, इसी तरह इनका भी ये डिस्टल एंड होता है जो सक्शन क्रिएट करता है। द मसल्स ऑफ दिस सक्शन कप कंट्रैक्ट्स एंड क्रिएट अ वैक्यूम, दस द फुट एक्सटेंड एंड अटैच विद दिस सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट उसका खाना भी हो सकता है, उसकी रहने की जगह भी हो सकता है, पत्थर भी हो सकता है जिसके साथ इसने अटैच होना है। तो नेक्स्ट पॉइंट, इन सम इकाइनोडर्म्स द ट्यूब फीट हैव अ पॉइंटेड और ब्लंट डिस्टल एंड्स। तो ब्लंट डिस्टल एंड कैसा होता है, आपने सुरेंज देखी है कि उसका जो शार्प पोर्शन है जो हमारी बॉडी में इंजेक्ट होता है, तो इनके पास दरअसल ये ब्लंट होता है, बिल्कुल शार्प नहीं होता, ये ब्लंट होता है। इतना होता है कि किसी सॉफ्ट बॉडी में ये जाकर टच होकर पेनिट्रेट कर सकते हैं। तो पॉइंटेड यानी किनारे वाला, जिसकी जो है वो नोक हो लेकिन वो इतनी जो है शार्प ना हो, तीखी ना हो, ब्लंट हो, जैसे डैमेज्ड हेड कहते हैं जिसे हम। दीज एकाइनोडर्म्स एक्सटेंड देयर ट्यूब फीट इनटू अ सॉफ्ट सबस्ट्रेट, अगर ये सॉफ्ट सबस्ट्रेट में चले जाए तो इट फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट ड्यूरिंग लोकोमोशन, तो ये उसमें थोड़ा सा पेनिट्रेट करके इसको जो है वो फिक्सेशन मिल जाती है, तो है वो स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाती है, इसलिए इसकी मूवमेंट और जो है आसान और अच्छी हो जाती है। इट इज ऑल्सो यूज टू सिफ्ट सेडिमेंट ड्यूरिंग फीडिंग, और फिर इसी ब्लंट डिस्टल एंड को ये अपनी खुराक छानने के लिए भी इस्तेमाल करता है। लव्ज सिफ्ट, छानना। सेडिमेंट क्या है, आपने पढ़ा है कि जब ऑर्गेनिज्म जो अपर लेयर के होते हैं, जो लिमनेटिक जोन के होते हैं, वो क्या करते हैं, वहां से जब ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं तो वो बेस में आके गिरते हैं और न्यूट्रिएंट्स की भरमार हो जाती है, और फिर उसको एंजॉय किसने करना है, इन्होंने तो करना है, तो फिर ये छानते हैं किसको, डिपोजिटेड मैटर को। तो सेडिमेंट को डिपोजिटेड मैटर कहते हैं ड्यूरिंग फीडिंग, जब ये खाना खाते हैं। तो इसके साथ साथ फंक्शन क्या है वाटर वास्कुलर सिस्टम के, तो अब हम ये पढ़ते हैं। फंक्शंस ऑफ द वाटर वास्कुलर सिस्टम, द वाटर वास्कुलर सिस्टम इज चीफली यूज फॉर लोकोमोशन, ये लोकोमोशन के लिए यूज होता है, लेकिन इसका जो बेसिक एम था वो तो फीडिंग और फीडिंग था, लोकोमोशन तो नहीं था, लेकिन अब इसका काम मेजर जो है वो लोकोमोशन हो गया है। द ओरिजिनल फंक्शन ऑफ वाटर वास्कुलर सिस्टम वॉज फीडिंग,
जो वाटर वास्कुलर सिस्टम का जो ओरिजिनल फंक्शन था वो फीडिंग था, नॉट लोकोमोशन, लेकिन अब इसका जो चीफ फंक्शन हो गया वो लोकोमोशन ही हो गया. द वाटर वास्कुलर सिस्टम हैज सॉफ्ट मेम्ब्रेन, जो वाटर वास्कुलर सिस्टम की मेम्ब्रेन है वो सॉफ्ट होती है, परमीएबल होती है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और मैनी अदर रेस्पिरेटरी गैसेस का तबादला भी डिफ्यूजन के जरिए यहां से होता है. द वाटर वास्कुलर सिस्टम हैज सॉफ्ट मेम्ब्रेन, इट अलाउज, हाँ जी, इट अलाउज डिफ्यूजन ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस एंड नाइट्रोजिनियस वेस्ट अक्रॉस द बॉडी वॉल. तो ये जो है वो रेस्पिरेशन में भी रोल प्ले करते हैं और एक्सक्रीशन में भी रोल प्ले करते हैं. डायग्राम हमने पढ़ ली. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं जी इनका हेमल सिस्टम. तो हमारे पास हेमल सिस्टम, मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका हेमल सिस्टम है वो दरअसल हमें क्या बताता है, वो हमें ये बताता है कि दे आर लाइक अ स्टार. तो ये लाइक अ स्टार, तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं. जी, तो हम पढ़ रहे थे हेमल सिस्टम इन एकाइनोडर्म्स. तो एकाइनोडर्म्स में हेमल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ टिश्यूज, और ये टिश्यूज के स्ट्रैंड बनाएंगे. टिश्यूज के अगर स्ट्रैंड बनाएंगे तो बाजू तो बनेंगे इन अ स्टार लाइक बॉडी फॉर्म. दीज टिश्यूज इन सर्कल एंड एकाइनोडर्म near the ring canal of water vascular system. Water vascular system के साथ से वहां से ये arms निकलते हैं, tissue इनको fill करते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत star shape के organism बन जाते हैं. These tissues run into each other near the radial canal, radian canal के साथ साथ ये बन जाते हैं और पूरा एक खूबसूरत star like structure बन जाता है. The Hemal system is a vestigial circulatory system. Tissue ने फॉर्म तो बना दी, इसके साथ साथ एक एडिशनल ट्यूब फॉर्म स्ट्रक्चर भी होता है जो दरअसल ये पता देता है कि ये जो शेप बनी थी दरअसल ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ट्रेसेस हैं. अब तो सर्कुलेटरी सिस्टम में इनमें वर्क नहीं कर रहा, लेकिन ये निशानी देते हैं कि कभी इनमें शायद ये फंक्शनल था या ये फंक्शनल होना चाहता था पर हुआ नहीं. तो वेस्टिजियल का मीनिंग क्या है, वो लिखा हुआ है नॉट फुली डेवलप्ड बट इट फंक्शन is unknown. अभी तक हमें इसका फंक्शन पता नहीं चला. इट मे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, शायद ये हेल्प कर सकते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन में, हार्मोन्स की ट्रांसपोर्टेशन में, और देन सिलोमोसाइट्स जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन में भी रोल प्ले कर सकता है. और सिलोमोसाइट्स हमने अभी कुछ देर पहले ही पढ़ा है, आर द सेल्स दैट इंगल्फ एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट पार्टिकल विद इन द बॉडी, जिनका ये काम है. तो ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है. अब इसको हम हमारा जो है वो लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन. अब हम इसकी क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करते हैं. द गाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सिलोमेट एनिमल्स. दे हैव पेंटा रेडियल सिमेट्री इन एडल्ट्स. दे पोजेस अ वाटर वास्कुलर सिस्टम. देयर एंडोस्केलेटन इज कवर्ड बाय एपिथेलियम. ये सारे सेंटेंसेस जब मैं पढ़ रहा हूं और पूरा लेक्चर सुनने के बाद आपको ये समझ आ चुके हैं, इसलिए मैं इनको ट्रांसलेट नहीं कर रहा. जो न्यू टर्म है वो देखते हैं जी. जो असल दिखने वाली भी है वो है पेडिसिलरी आर प्रेजेंट. व्हाट आर पेडिसिलरी? तो अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि पेडिसिलरी क्या है. तो इस डायग्राम को देखें जी. ये डायग्राम में ये जो स्ट्रक्चर है ये पेडिसिलरी है और ये डिफेंसिव ऑर्गन है. क्या करता है, आपको पता है कि प्लास है, हम उससे तारें छीलते हैं और वो जो है वो क्लोज भी हो जाता है. हम उसको जब बंद करते हैं तार को काटने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. और इसी के साथ साथ एक चिमटा भी होता है जो घरों में जब रोटी बना रहे हो तो उसको ना वो पलटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. तो इनमें ये सॉफ्ट स्ट्रक्चर है जो किसी चीज को जो है वो पकड़ सकता है, इंसेक्ट को भी और फूड को भी, और किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैचमेंट के लिए कोई और बॉडी जो है ना वो हमारे जो ट्यूब फीट है वो अगर इतने इफेक्टिव ना हो तो ये भी रोल प्ले करते हैं. तो ये है इसमें. और इसके साथ साथ मैंने आपको जो है वो जो सी स्टार है उसका
जो एबोरल और जो ओरल फॉर्म था वो बताने लगा था। तो उसमें अब मैं रिपीट कर रहा हूं इसको कि ये जो है ये इसके डॉर्सल फॉर्म है और डॉर्सल फॉर्म पर इसका एनस होता है और ये इस शेप में होता है, और जो इसकी ओरल व्यू है वो ये है, और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर इसका माउथ होता है दरमियान में, यहाँ पर इसका माउथ होता है और ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं। और मैंने आपको क्लियरली समझाया कि डॉर्सल व्यू कैसा होता है और जो वेंट्रल व्यू है कैसा होता है। जो वेंट्रल व्यू होता है वो ओरल व्यू होता है, और जो डॉर्सल व्यू होता है वो हमारे पास जो है एबोरल व्यू होता है। और इसका जो हम इनके दरमियान अगर लाइन बना दें तो हमें पता चल जाएगा कि ये इनका ओरल एबोरल एक्सिस बन जाएगा। तो ऑसिकल्स ये देखें, एंडोस्केलेटन ऑसिकल्स, देन हमने जो हैमल भी देखा इसके साथ साथ, इनडिटर्मिनेट्स हमने टर्म इनडिटर्मिनेट पढ़ी थी पीछे, कि इनडिटर्मिनेट क्लीवेज क्या होती है, डिवीजन ऑफ एन एग इनटू सेल्स ईच ऑफ विच हैज द पोटेंशियल ऑफ डेवलपिंग इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो देन ऑसिकल्स ये वेंट्रल और डोर्सल व्यू को समझने के लिए था, इसके साथ साथ ट्यूब फीट आपको दिखाने के लिए, ये ट्यूब फीट है, ये डायग्राम भी हमने यहाँ पर देखी है। तो इसके साथ साथ हमने ये भी देखे हैं पेडिसिलरी अभी देखे हैं और आगे हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ अभी आगे हम चलकर एम्ब्यूलेसरल भी पढ़ेंगे टर्म है, और देन ब्रिटल स्टार हमें पता चलेगा कि ये इमीडिएटली बॉडी से जो है ना इनकी जो मेटरोपोराइट है वहां से इमर्ज होते हैं, और इनमें ग्रूव्स होते हैं एग्स को प्रोटेक्शन देने के लिए। और इसके साथ साथ एक और टर्म इस्तेमाल की गई है जिसको हम कहते हैं सर्कमोरल पॉलर्स, या हम इसको वो टर्म जब भी यहाँ पर नोट्स में आएगी तो हम इसको पढ़ते हैं कि अराउंड द माउथ। फाइलम अगाइनोडर्मेटा हैज फॉलोइंग क्लासेस, इसकी नीचे दी गई क्लासेस हैं कौन सी है। सबसे पहले क्लास हमारे पास है क्राइनोडिया, देन क्राइनोडिया के बाद है हमारे पास एस्टिरोडिया, देन इट इज ऑफी यूरोडिया, देन कंसन ट्राइसाइक्लोडिया, देन हमारे पास अकाइनोडिया, देन होलो थ्यूरोडिया। हम एक एक करके इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्राइनोडिया, तो दे आर फ्री लिविंग, तो ऊपर जो पेडिसिलरी है इसका ये वर्ड लिखे हुए हैं, डिफेंसिव ऑर्गन लाइक अ मेन्यूट पिंसर, पिंसर का मतलब होता है पकड़, और एक किस्म का औजार जो किसी चीज को पकड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो क्लास क्राइनोडिया, दे आर फ्री लिविंग, आर दे आर अटैच बाय एन एबोरल स्टॉक ऑफ ऑसिकल्स, ये ऊपर से अटैच होते हैं। दे फ्लरिश्ड इन द पिलोजोइक एरा, उन दौरान इवॉल्व हो गए थे पिलोजोइक के दरमियान ही। दिस क्लास हैज 230 लिविंग स्पीशीज, तो इस क्लास की 230 जो है वो जिंदा स्पीशीज मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है, इनकी एग्जाम्पल्स में सी लिलीज हैं और फीदर स्टार्स हैं। तो इन ऑर्गेनिज्म की आप जो डायग्राम हैं वो अपने नेट पर सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ क्लास एस्ट्रोडिया, रेज आर आर्म्स आर नॉट शार्पली अराइज फ्रॉम दी सेंट्रल डिस्क इन एस्टिरोडिया। अब फर्क है, जब हम सी स्टार देखते हैं तो उसमें जो आर्म्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे एक स्टार की तरह, जैसा स्टार हम कॉपी पर बनाते हैं या बच्चे के फेस पर बनाते हैं, उसमें शार्पली इमर्ज नहीं होता। लेकिन ब्रिटल स्टार में जो आर्म्स हैं वो शार्पली इमर्ज होते हैं। इस डायग्राम को हम कैसे देखेंगे, इस डायग्राम को मैं आपको क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो डायग्राम है किसी भी स्टार फिश की, ये देखें, इस जो सी स्टार है इसमें जो आर्म्स निकल रहे हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल और सूटेबल फॉर्म में निकल रहे हैं। जब आप ब्रिटल स्टार को देखते हैं तो इनके आर्म्स जो है वो शार्पली और अचानक से समल्टेनियसली जो है ना स्पोंटेनियसली इमर्ज हो रहे हैं। तो इसको हम कहते हैं इनकी जो इमर्जेंस है वो शार्प है, जबकि जो हम पढ़ रहे हैं क्लास इनमें शार्प नहीं होती और उनमें ही सी स्टार शामिल है, हम एस्टेरोडिया ही पढ़ रहे हैं। रेज आर आर्म्स आर नॉट शार्पली अराइज्ड फ्रॉम सेंट्रल डिस्क इन एस्टेरोडिया। एम्ब्यूलेसरल ग्रूव्स, तो एम्ब्यूलेसरल ग्रूव्स कौन से ग्रूव्स होते हैं, मैंने आपको कहा कि इनमें जो एग्स की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि ये एग लेइंग होते हैं
तो एग्स की प्रोटेक्शन के लिए जो ग्रूव्स होते हैं विद इन द ट्यूब फीड, उसे एम्ब्यूलेसरल ग्रूव्स कहते हैं, और इनमें प्रेजेंट होते हैं। द ट्यूब फीड हैव सक्शन डिस्क। तो ट्यूब फीड में सक्शन डिस्क होते हैं, ये बात हमने पहले भी पढ़ ली है। इसके साथ पेडिसिलरी आर प्रेजेंट इन देम, इनमें जो पेडिसिलरी डिफेंसिव ऑर्गन है वो भी मौजूद होते हैं, और 1500 स्पीशीज हैं इनकी, और इसकी एग्जाम्पल में सी स्टार है। तो क्रास ऑफियोरोडिया, देन ऑफियोरोडिया में क्या है, देयर आर्म्स शार्पली मार्क्ड ऑफ फ्रॉम द सेंट्रल डिस्क, जो है वो अचानक से निकलते हैं, कोई जरा सा भी बल नहीं देते और अचानक से ही निकलते हैं, और जो है वो जैसे कि ब्रिटल स्टार की अभी डायग्राम हमने देखी। द ट्यूब फीट आर विदाउट सक्शन डिस्क, इनमें सक्शन डिस्क नहीं होती। 2000 स्पीशीज हैं और इनकी एग्जांपल्स हैं ब्रिटल स्टार। उसके बाद है हमारे पास क्लास कंसर्न ट्राइसाइक्लोडिया, दे हैव टू कंसेंट्रिक वाटर वास्कुलर रिंग्स, इनमें दो वाटर वास्कुलर रिंग्स हैं। दीज रिंग्स इन सर्कल अ डिस्क लाइक बॉडी को इन सर्कल करते हैं। दे हैव नो डाइजेस्टिव सिस्टम, इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। दे डाइजेस्ट एंड एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर लोअर सरफेस, अपने लोअर सरफेस से जो सेडिमेंट्स पड़े हैं, जो अ लॉट ऑफ ह्यूज ऑर्गेनिक मैटर पड़ा है, उसको ये डायरेक्टली यूज करता है। दे हैव इंटरनल ब्रूड पाउचेस। तो अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ब्रूड पाउचेस हैं वो क्या होते हैं। तो दरअसल यहां आप देखेंगे ये दरअसल ब्रूड पाउचेस हैं, इनमें ये वो ग्रूव्स हैं जो एग को प्रोटेक्ट करते हैं, ये वो ग्रूव्स हैं जो एग को प्रोटेक्ट करते हैं। और जो हमारे पास एम्ब्यूलेसरल है, तो एम्ब्यूलेसरल का क्या है, अब इस डायग्राम को देखें। मैं मिस्टेकनली पहले आपको एम्ब्यूलेटर का बता गया था कि वो एग को प्रोटेक्ट करते हैं, तो इनके ट्रू क्या है, वो ट्रू ये है कि इस स्टार फिश को या सी स्टार को उल्टा कर दिया, जब इसका वेंट्रल साइड देखा तो इसके अंदर जो है वो, एक तो ये लाइनें नजर आ रही हैं, ये लाइनें क्यों नजर आ रही हैं, दरअसल ये ग्रूव है और ये थ्रू आउट द आर्म ग्रूव जा रहा है, और इसमें सीलिया होते हैं या स्पाइंस होते हैं। तो इसकी हम ये पढ़ेंगे, अ ग्रूव आर फरो बॉर्डर्ड बाय लार्ज स्पाइंस एक्सटेंडिंग अलोंग द ओरल सरफेस ऑफ ईच आर्म ऑफ सी स्टार्स। तो इसको हम कहते हैं, और ये किस लिए होता है, अटैचमेंट के लिए भी होता है, डिफेंस के लिए भी होता है, और मूवमेंट के लिए भी होता है। दे डू नॉट डिवेल्प फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज, इनमें फ्री स्विमिंग लार्वल स्टेज नहीं होती। तो हमारे पास सी डिसेसीज जो है ना, इसकी एग्जाम्पल्स होती हैं। और देन हमारे पास सेकेंड लास्ट क्लास है एकाइनोडिया, देयर बॉडी इज ग्लोबुलर आर डिस्क शेप्ड, दे हैव नो रेज आर आर्म्स, दे हैव मूवेबल स्पाइंस, देयर स्केलेटन इज कंपोज ऑफ क्लोजली फिटिंग प्लेट्स। हमने कहा था कि ऑसिकल्स जो हैं वो क्लोजली फिट नहीं होती, लेकिन इनमें होती हैं। दे हैव 1000 स्पीशीज, तो इनमें 1000 स्पीशीज हैं। इनकी एग्जाम्पल में सी अर्चन्स और सैंड डॉलर्स हैं। और जो हमारी लास्ट क्लास है वो है होलोथुरिडिया, दे हैव नो रेस, इनमें भी कोई बाजू नहीं है। दे आर इलोंगेटेड अलोंग द ओरल एबोरल एक्सेस, ये थोड़े से फ्लैट होते हैं, दुबले पतले होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ऑसिकल्स आर एम्बेडेड इन अ मस्कुलर बॉडी वॉल, अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें ये ऑसिकल्स बॉडी से बाहर भी नजर आते हैं। दे हैव सरकमसोरल टेंटिकल्स, इनके मुंह के गिर्द टेंटिकल्स होते हैं। तो सरकमसोरल क्या मीनिंग है, सराउंडिंग द माउथ। दे हैव 1500 स्पीशीज, और इनकी एग्जाम्पल में हमारे पास सी कोकम्बर्स हैं। तो आप सबने आज का लेक्चर पढ़ा, जिसमें हमने इकाइनोडर्म्स के बारे में पढ़ा, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, उसके साथ साथ हमने उनमें वाटर वास्कुलर सिस्टम पढ़ा, उनकी बॉडी स्ट्रक्चर पढ़ा, और उनकी क्लासिफिकेशन पढ़ी। इन सब टॉपिक में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई और कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर पूरा टॉपिक आपका क्लियर हो गया है, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड तो कर रहे हैं, लेकिन वो इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे, जिससे मुझे लग रहा है कि शायद बच्चों को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हो रही। तो जिन स्टूडेंट को इसकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है, पूरा टॉपिक समझ आ रहा है, वो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि स्टूडेंट को ये टॉपिक क्लियर हो गया है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और हमारी जो ऑनलाइन क्लास होगी, उसमें भी क्विज सेशन भी होगा और क्वेश्चन सेशन भी होगा।
तो हमारा इनवर्टिब्रेट का सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो फाइनल एग्जाम में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।